शाम का बज गया है 5 और इस समय ना मतलब मायके में ही है, अभी थोड़ी देर में हम चले जाएंगे ससुराल को। तो यहाँ पे ना मैं इस वजह से आई थी। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोजी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती आप सब अच्छे होंगे, यहाँ हम सब अच्छे। तो दोस्तों इस समय हम लोग जा रहे हैं कहीं, आप बने रहिए ब्लॉग में। तो किसी काम से जा रहे हैं, मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। और काम तो छोड़ो, बच्चे तो खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं, बच्चा पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बने रहिए। तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं। तो दोस्तों ये पहुंच गई हूँ मैं मायके में और मुझे गर्म होता है। मैं ना टॉवल से अपना मुंह पोंछती हूँ, फिर मैं जाती हूँ शीशे के पास अपना फेस देखने, और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन ट्राईपॉड में लगा देता, मतलब पहले लगाया था बाद में लगाया था। उसके बाद मैं टॉवल संभाल रही हूँ और मौसी यहाँ पर ना चावल साफ कर रही है, मम्मी यहाँ पर प्याज कट कर रही है, और यहाँ पर मैं बैठ जाऊँगी आराम से चावल साफ करने। तो यहाँ पर हम सब मिलजुल के काम करते हैं, जैसे खाना आना बनाने में हम सब लगते हैं। तो यहाँ पर किसी काम से गए हुए थे हम, आपको आगे पता चलेगा किस काम से हम गए हुए थे, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे बैठ के हम गप्पे सप्पे मार रहे हैं, ओ मौसी मैं मम्मी गप्पे सप्पे मार रहे हैं। बाकी मैंने मौसी से बोला एक बार बच्चों को बुला लो आप, अगर आएंगे तो मैं चली जाऊंगी लेने। तो मौसी ने फ़ोन किया अपनी बेटी को, यानी कि मेरी बहन को, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो खाना बना चुकी थी घर में। उसने बोला मम्मी नहीं, तो बच्चों का ना पढ़ाई का डिस्टर्ब भी होता है क्योंकि बच्चे अभी मौसी के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्ब होता है, इस वजह से वो नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, घर ही में बना दिया खाना। तो यहाँ पर मौसी बात कर रही है, तो गर्म भी हो रहा था और मम्मी यहाँ पर प्याज कट कर रही, तो आँखों में आँसू भी आ रहे थे। इसको गुस्सा आया है क्यों? इसके पापा ने कहा तुमने कोई काम नहीं करा, उसने बहुत सारा काम, बहुत काम। अरे बहुत काम करा यार इसने, रो रहा था वो। हम जो है काम चोर, हम जो खाली पहुँचे हैं यार। ये बुआ थी कि जब हमने लगा दिया तब लेट आ रही है। हाँ। सबसे ज्यादा शिवा ने करा है। शिवा दिव्यांश ने भी नहीं करा है, अभी भी रो रहे मौसी ने। हाँ मेरे को तो रोते हुए एक चुरा दिखा, दिखा तो एक बार दिखा, मुँह दिखा तो मुँह दिखा यार, उठक बैठक, सॉरी बोल दिया चल। अब इतना नहीं चल, एक ही बात, सॉरी बहुत काम करा है शिवा ने, बहुत ना बोलता, बचपन के दिन याद आ गए, स्कूल टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ते में मम्मी ने सुबह बनाई थी खीर, खीर खाते हैं अब हम लोग, मेरे को ऐसी खीर पसंद है दूधी दूध वाली। तो दोस्तों यहाँ पे दिन का बज गया था 1 या 1:15 और हमारा पूरा परिवार खाने के लिए बैठ गया है, मम्मी पापा, मम्मी तो नहीं बैठी, मम्मी दे रही है मतलब, पापा भाई मौसी मौसा जी भाभी बच्चे, भाई के बच्चे और मेरे बच्चे सब बैठ गए हैं, और मम्मी यहाँ पे लगा ही रही है, दाल वाल दे रही थी। तो मैं ब्लॉग बना रही थी अपना, मैंने कहा चलो साथ ही बैठेंगे, फिर मैं मम्मी भी बैठ रही थी, फिर मैं भी बैठ रही थी। तो यहाँ पे हम सब लोग खाना खा रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय करा हमने। तो शाम का बज गया है 5 और इस समय ना मतलब मायके में ही है, अभी थोड़ी देर में हम चले जाएंगे ससुराल को। तो यहाँ पे ना मैं इस वजह से आई थी धान रुपाई लगाने, मतलब रुपाई लगाने, और मेरे अंत तक ना इन लोगों ने लगा दिया था क्योंकि भाई के बेटे का पापा, तो भाई के बेटे का वीडियो कॉल आया था, भाई के बेटे का और मौसी लोग का वीडियो कॉल आया था कि यहाँ ना रुपाई लगा रहे, तो बच्चों और मेरा बहुत ज़्यादा मन हुआ, इसलिए हम लोग आ गए आए यहाँ। हमारे आने तक हम जैसे 11 बजे पहुँचे, 9 बजे इनका वीडियो कॉल आया, मैंने घर में कपड़े कपड़े धोए स्कूल के, जैसे हम आए तो यहाँ पे ना पूरे धान वगैरह लग चुके थे। तो छोटा सा खेत था, इन लोगों ने घर में ही लगाया क्योंकि उसमें ना बीना था, बाकी और सब खेतों में ना लेबर लगे हुए थे, उस खेत में बीना था तो इनने खुद से लगाया। मैं आपको दिखाती हूँ कितना छोटा खेत है, तो दोस्तों ये वाला खेत है, यहाँ पर मेड़ दिख रही है ना, इतना खेत है, इतना इन अपने हाथ से लगाया है, जो कि आधे पौने घंटे पे लग जाता है, छोटा सा है। बाकी और जो वो खेत है उधर को दूर दूर को, उसमें सब लेबर लगाए हुए थे, दिखाती हूँ आपको। यहाँ आजकल गांव में यही काम चल रहा है खेतों में कि धान वान लगा, और यहाँ सांपों का भी ना बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, सांप आते हैं इधर को बहुत ज़्यादा, भाई डर लगती है। ये सब धान लगा रखे हैं, तो यहाँ सबके वहाँ यही काम चला है। और हमारे आम दिखाती हूँ, ये देखिए आम अभी भी, इतने सारे आम लगे हैं, अभी तो आधे तोड़ दिए हैं, अड़ोस पड़ोस में भी दिए हैं, अभी बहुत है अभी भी। कैसा लग रहा है? ए, इसने मेरा दुपट्टा खा दिया इसने दुपट्टा खा दिया भाभी, इसने दुपट्टा खा दिया था मेरा बच्चिया ने
इसके इस खेत मतलब खेत में खाली करने में पूरी चरी काट रखी ना, तो यहाँ पे फैला रखी है आंगन में। यू भी खा रहा है आम, इसने मेरा दुपट्टा। तो दोस्तों यहाँ पे सबके खेतों में ना ऐसे धान लगे हुए हैं आजकल, यहाँ को यही काम चल रहा है सबका, आधों के लग गए हैं किसी के नहीं लगे हैं। बाकी यहाँ पे कह रहे कि सांप घूम रहा है आजकल, एक कितने बड़े हो गए, पहले छोटे छोटे थे अब बड़े हो गए। तो दोस्तों ये ब्लॉग बनाने में छत में गई, छत से आपको हरा हरा अपना मायका दिखा रही हूँ। देखो कितनी हरियाली हो रही है ना, इससे सबने धान आन लगा के, इससे रुपाई का समय चला है इस टाइम पे, जुलाई में बरसात में सावन के महीने में यहाँ पे रुपाई का टाइम चलता है, तो सब लोग अपने धान आन के कामों में बिजी रहते हैं। जैसे आप तो सब लेबर लगाते हैं, सब लेबर लगाते हैं, कोई अपने हाथों से नहीं लगाता है, बट बहुत प्यारा लग रहा है, तो मेरे को ना अच्छा लगा आपको दिखाना। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपने पेड़ के आम, छत से दिखा रही हूँ, बाकी आप देखिए। और हमारे घर का सुंदर सा नज़ारा मायके का। पापा और बच्चे आम तोड़े। तो दोस्तों यहाँ पे ना मम्मी ये चावल सुधार रही होती है, ऐसे छोटे छोटे जो चावल है वो सुधार रही है, और मैं ना खड़े होकर आम खा रही थी, वो छोटे वाले आम खा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी चावल साफ़ कर रही, वो इसलिए कर रही क्योंकि ना मम्मी चावल का आटा पिसाने वाली है, और थोड़ा सा गाय को भी देंगे इसमें से, कह रही थी और चावल का आटा पिसाने वाले क्योंकि ना वो चीला इला बनाने के लिए। बाकी मैं आम खा रही हूँ, बड़े स्वाद हो रहे थे ये आम ना, इस टाइम पे बहुत स्वाद आम हो रहे थे, क्योंकि पहले जो हमारे बड़े बड़े आम होते थे, लंगड़ा आम, दशहरी आम, ये आम, तो हम इन आमों को ज़्यादा मुँह नहीं लगाते। अब जैसे सारे आम खत्म हो गए ना, तो ये आम हमारे बहुत काम आते, मतलब मीठे होते, बहुत ज़्यादा मीठे होते। तो मैं आम खा रही थी, बहुत टेस्टी हो रहा था मीठा। हेलो ठीक है तन्मय, लगा दिया। दोस्तों यहाँ पे मम्मी ना चावल साफ कर रही है, किसके लिए? चावल पिसाने के लिए, मतलब चावल का आटा बनाने के लिए। टूटे वाले चावल है ना ये, टूटे वाले चावल है, गाय के लिए रख देते पकाने के लिए, थोड़ा इतना गाय के लिए, बाकी ये उसके लिए रोटी बनाएंगे, डोसा, चीला। और यूवी कब से आम खा रहे, यूवी हो गया अब इतने ही आम खाओ, हो गया। तो यहाँ पे मम्मी हमारे लिए आम रख रही है, छाट रही है आम, ऊपर से गिर के फूट गया है, तो मैं भी आया है आम लेने। तो दोस्तों इसमें ना मट्ठा रख रही है, और मम्मी ना एक बोतल में दूध रख रही है, तो अब जा रहे हैं घर को, 5:30 हो गया, घर को जा रहे हैं। इस डिब्बे में है मैंने रखा है दही, मम्मी रख रही है दूध, मैंने रख दिया मट्ठा। हाँ तुम कैमरे में बोलो लो। यू भी फटाफट आम रख रहा है घर के लिए। मम्मी ने थैला छोड़ के अपना आम रख रहा है, फटाफट भर रहा है। कहाँ चलो मैं भी, चाबी यहाँ दे। हाँ तो क्या बाइक में आऊंगी। तो यहाँ पे हरेला बोर्ड है। तो दोस्तों शाम का बज गया है, 6:30 हो गया है, और इसमें ना घर जाने की तैयारी हो गई है हमारी। 11 बजे पहुंचे शाम, मतलब थोड़ी देर के लिए आए थे हम लोग, रहने पे नहीं आए थे, कल बच्चों का स्कूल और परसों ना हरेला है, तो थोड़ी देर अब ना मतलब जा रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पे देवी पूछ रही हूँ, इसमें मैंने रखे हैं चावल दुपट्टे में, तो अब देवी पूछती हूँ।
मम्मी ने रख दिया यहाँ पे दूध, दिखाओ मम्मी कितना दूध है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरे पापा मुझे चिढ़ा रहे थे कि दूध भी ले जा रही, दही भी ले जा रही, सब्जी भी ले जा रही, सब कुछ ले जा रही यहाँ से। तो हंस रहे थे सब लोग, भाभी लोग, पापा लोग, मम्मी लोग सब। तो दोस्तों घर पहुँच गए हम लोग, यानी कि मैं ससुराल पहुँच चुकी हूँ। और मैं पहुँची 6:30 बजे, वहाँ से निकली और 7:15 बजे निकली, मतलब 7:15 बजे घर पहुँची हूँ। और थोड़ा सा मतलब उजाला ही था, अंधेरा तो नहीं हुआ था। और ना मम्मी ने जो दूध दिया था वो दूध कच्चा था, तो मैंने दूध बॉयल करने रख दिया। उसके बाद मैंने चाय भी पी लिया। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो रात का बज गया है 9, इस समय खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो अब थोड़ी देर में सोएंगे वैसे। और मम्मी ने जो दूध रखा था ना वो मैंने बॉयल कर दिया, अभी मैं बच्चों को देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। हम लोग दूध पीते हैं पहले, तो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।